ज्यादातर लोगों ने ट्रेन से सफर किया है। लंबी दूरी तय करने के लिए हम ट्रेन का ही सहारा लेते हैं। रेलवे में सफर के दौरान कई बार हमें ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन सभी हॉर्न अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय रेल में किस हॉर्न का क्या मतलब है। ड्राइवर जब एक छोटा हॉर्न देता है तो पीछे गार्ड को तैयार रहने का संकेत देता है। गार्ड भी एक छोटा हॉर्न देकर बताता है कि वो तैयार है। मान लीजिए कि कहीं लोड स्टेबल होने का बैठ जा रहा है तो उसको अब सहायता की जरूरत है। मतलब तो ऐसे अगर बीच में खराब हो गया या मान लीजिए लोड को घींच नहीं पा रहा है तो अगर उसको जो असिस्टिंग की जरूरत है तो आदमी का, मेरा जो रेलवे कर्मचारी है या रेलवे का जो स्टेशन मास्टर हो, कैसे जानेंगे कि किस लिए ये हो रहा। तो एक सिंबल होता है कि एक छोटा एक बड़ा सीटी मारने से कि हमको असिस्टिंग इंजन चाहिए, हमको सहायता की जरूरत है। दो छोटे हॉर्न का मतलब है कि ट्रेन मेन लाइन पर खड़ी है और गार्ड सिग्नल मांग रहा है ताकि स्टेशन मास्टर को पता चल जाए और ट्रेन को रवाना किया जा सके। एक बड़ा एक छोटा गार्ड ब्रेक रिलीज करे। कोई भी ओरिजिनेटिंग स्टेशन से कोई भी गाड़ी को खुलने के लिए ब्रेक टेस्टिंग होता है। ब्रेक मैंने गाड़ी का ब्रेक ठीक है या नहीं है उसके लिए, वो जानकारी लेने के लिए, तो जानकारी के लिए वो एक लंबा एक छोटा सिग्नल मारता है कि गार्ड को बोलता है कि आप ब्रेक चेक कीजिए और ब्रेक को रिलीज कर दीजिए ताकि हम खुल जाएं। तीन छोटा हॉर्न खतरे का संकेत है। ड्राइवर सिग्नल देता है कि गार्ड ब्रेक लगाए क्योंकि ट्रेन नियंत्रण से बाहर है या इंजन में गड़बड़ी आ गई है। उसके बाद चार छोटा सिस्टम, दुर्घटना अवरोध या किसी कारण से गाड़ी को आगे नहीं बढ़ सकता है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, कोई दुर्घटना हो गया, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, नहीं बढ़ पाता है, तो वो छोटा चार सिटी मारते हैं। ट्रेन खुलने से पहले ड्राइवर एक लंबा हॉर्न मारता है ताकि सभी अलर्ट हो जाएं कि गाड़ी अब खुलने जा रही है। सुरंग को पार करते समय भी लंबी सीटी लगाई जाती है। रेलवे गेट को पार करते समय कुहासा या तूफान आने पर चार लंबी सीटी लगाई जाती है। दो छोटा एक लंबा, ये दो छोटा एक लंबा के मतलब होता है चेन पुलिंग। मान लीजिए कोई गाड़ी पे पैसेंजर हो या बेल स्पेस हो, चेन पुलिंग होने से उसको वो संकेत देते हैं कि मेरे गाड़ी में चेन पुलिंग हो गया है। लगातार 10 छोटे हॉर्न का मतलब है कि कम्युनिकेशन पूरी तरह फेल हो गया है, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ड्राइवर लगातार 10 छोटी सीटी लगाता है। एक ही लाइन है, अप भी गाड़ी जा रही है, डाउन भी गाड़ी जा रही है, उसको हम लोग सिंगल लाइन कहते हैं। तो सिंगल लाइन में टोटल फेलियर कम्युनिकेशन का मतलब होता है टोटल कोई चीज़ किसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन का बात नहीं हो रहा है, सिग्नल नहीं हो रहा है या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, VHF काम नहीं कर रहा, टेलीफोन काम नहीं कर रहा, उसको हम लोग टोटल फेलियर कम्युनिकेशन कहते हैं। जब टोटल फेलियर का सिग्नल लाइन में चलता है तो वो 10 छोटा सिटी मार के ही चलता है। ट्रेन में सफर करने वाले सभी लोगों को इस तरह की जानकारी होनी चाहिए ताकि हॉर्न के आधार पर किसी भी खतरे को भांपा जा सके और हर सिग्नल के बारे में पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।